हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यूज की सीरीज़। तो दोस्तों, आज ही हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें भी आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और ये हम नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कूका मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो कूका मूवमेंट है उसको 1840 में उसकी शुरुआत करी थी, और उसकी शुरुआत किसने की थी? भगत, जवाहर, मल, और इनको सियान साहब भी बोला जाता था। तो ये जो कूका मूवमेंट है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वेस्टर्न पंजाब में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था, तो जो ये मूवमेंट था ये एक्चुअली मूवमेंट इससे पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स टुक ओवर पंजाब तो जो मूवमेंट था वो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन से पॉलिटिकल कैंपेन में टर्न हो गया था। यानी कि जब ये मूवमेंट स्टार्टिंग में शुरुआत में ये मूवमेंट आया था, बना था, तो ये एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन था। अब ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन में इनका क्या काम होता था वो हम नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें इनका जो मेन इसके टेनेंट्स थे, ठीक है, इसके एम क्या थे कि जो कास्ट सिस्टम है या डिस्क्रिमिनेशन होता है सिख में, उस चीज़ों को ख़त्म करना है, अबॉलिश करना है। मीट, अल्कोहल और ड्रग्स इनका जो कंजम्पशन होता है सिख में उसको डिस्करेज करना है। इंटरकास्ट मैरिजेस, विडोरी मैरिजेस, ठीक है, इन सबको अलाउ करना है। एंड विमेन को एनकरेज करना है कि वो सेक्लूशन से बाहर निकले। तो ये था एक तरह से रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन। बट बाद में जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब टेरिटरी को एक्वायर किया तो ये पॉलिटिकल कैंपेन में टर्न हो गया। कैसे टर्न हो गया? कि पॉलिटिकली अब ये चाहते थे, कूका मूवमेंट में ये लोग चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब को छोड़ दें और पंजाब पे पहला जैसा रूल था वो वापस से आ जाए। फोर्थ पे बोला गया है कि इसके जो इन्होंने अपने मूवमेंट में स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इस्तेमाल किया था। एंड अगर हम देखें तो ये जो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम पार्टीशन की बात करते हैं, बंगाल पार्टीशन में सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट यूज़ किया था, उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो कूका मूवमेंट उससे पहले हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूकास पहले ही स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानते थे और उन्होंने इनिशिएट किया था कि जो हैंड वुमेन क्लोथ्स होते हैं उसको पहना जाए और इंग्लिश लॉज या इंग्लिश प्रोडक्ट्स या इंग्लिश एजुकेशन जो है इसको बॉयकॉट किया जाए। तो इट हैपेंड मच बिफोर देन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट दिए हुए हैं। आंसर है सी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए दोबारा आ गया है। इसमें ए, फिर बी, फिर सी एंड डी है। तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो है ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी कुछ पता चला है कि जैसे कूका मूवमेंट किसने शुरू किया था, कहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, किस ईयर में हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था है। तो इसीलिए हमने इसमें इतने मल्टीपल ऑप्शंस आप हमारे क्वेश्चन में देखेंगे। इसका हमारा पर्पस ही यही है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मल्टीपल जो नॉलेज है, मल्टीपल डेटा है वो आपको पता चल जाए, ताकि जो हमारे सीरीज़ है इसके थ्रू हम ऑलमोस्ट आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का वो रिविज़न करा सकें। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखना है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट जो था उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट था ये एक रीजनल मूवमेंट था, ठीक है, और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था जो डिप्रेस्ड क्लासेस, जो लो क्लासेस थी उनके और अपर कास्ट के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ था। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है। सेकंड में बोला गया है कि श्री नारायण गुरु स्वामी जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है, एंड वो इच्छावास जो थे उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये जो कम्युनिटी थी ये अनटचेबल्स माने जाते थे। जो नारायण गुरु थे वो खुद ही एक इजावा थे, इजावा कास्ट के थे। तो उन्होंने अरुविपुरम में क्या किया, एक नैयर रिवर जो है वहाँ से एक पत्थर लेके शिवलिंग बनाया, ठीक है, शिवरात्रि के दिन 1888 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसको हम इस मूवमेंट को बोलते हैं अरुविपुरम मूवमेंट। एंड अरुविपुरम मूवमेंट की वजह से इनका एक फेमस पोएट जो है वो इनका डिसाइपल बना। वो फेमस पोएट कौन था? कुमारन
आसान। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन अपर कास्ट। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जावास जो थे वो तमिलनाडु के नहीं ये केरला के थे, इसलिए आंसर है हमारा बी। और बाकी सी एंड डी जो ऑप्शन है ये दोनों ही करेक्ट है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में कि हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी इसको एमजी राणा दे और रघुनाथ राव ने मिलके इसकी शुरुआत करी थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हर साल मिलती थी। इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था 1885 में, ठीक है। और उसके बाद जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वेन्यू होता था, जो टाइम होता था, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी सेम टाइम में सेम वेन्यू में मिलती थी हर साल। सेकेंड में बोला गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका फोकस पॉइंट क्या था। इसका फोकस पॉइंट था कि जो सोशल इशूज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोशल इशूज़ हैं उनको लिया जाए, जैसे कि सपोज़ इन्होंने पॉलीगैमी, इंटरकास्ट एंड चाइल्ड मैरिज, ये सारे जो सोशल इशूज़ थे इन सब के बारे में बात करी थी, ठीक है, कि ये सारे सोशल इविल्स हमें सोसाइटी से हटने चाहिए, ठीक है। इस वजह से इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सोशल रिफॉर्म सेल भी कहा जाता था। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है जो कॉन्फ्रेंस है इसने एडवोकेट क्या किया, इट एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, अपोज्ड पॉलीगैमी एंड कुलिनिज्म। डी में बोला गया है कि जो प्लेज मूवमेंट था वो भी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की थी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये पता हो गया कि जो प्लेज मूवमेंट है वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा आपको ये भी पता चल गया जो प्लेज मूवमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, वो था कि लोगों को इंस्पायर करना है कि वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट प्लेज लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, आंसर है हमारा ए। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1885 में नहीं 1887 में हुआ था, और उसके बाद ये हर साल सेम वेन्यू एंड सेम टाइम में मिलते थे जब INC मिलता था। 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे हमें मैच करना है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और किसने इसकी शुरुआत की थी ये देखना है, ठीक है। इंडियन लीग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सिसिर कुमार घोष, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, महादेव गोविंद राणा दे एंड अदर्स, पूना सार्वजनिक सभा, बद्रुद्दीन त्यागजी। तो यहाँ पे देखना है कि देखिए इंडियन लीग जो था वो शुरुआत की थी सिसिर कुमार घोष ने, तो आंसर है 1 बी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसको हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, तो हो गया 2A, तो 1B 2A, ठीक है। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था इसकी शुरुआत करी थी बद्रुद्दीन त्यागजी ने, ठीक है। और इनके साथ कौन कौन और थे, इनके साथ मिलके फिरोज शाह मेहता और केटी तैलांग भी थे, 1885 में इसकी शुरुआत की थी। फिर पूना सार्वजनिक सभा की 1867 में शुरुआत की गई थी, महादेव गोविंद राणा दे ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तो आंसर हो गया 1B 2A 3D 4C, आंसर है बी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। देखिए पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे दे वर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, ठीक है। मेन आर्किटेक्ट्स इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से फाइनली क्या बन के आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले स्टेटमेंट में ये बोला है। सेकंड में बोला गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें अराउंड 75 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसकी अध्यक्षता उमेश चंद बनर्जी ने की थी। थर्ड में बोला गया है 1890 में कादम्बिनी गांगुली जो थी वो पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, उनको चांस मिला कि वो कांग्रेस सेशन को उन्होंने संबोधित किया यानी कि एड्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। सेकंड क्यों रॉन्ग है हम डिस्कस करेंगे।
एंड थर्ड राइट है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ए, 1 and 3। ठीक है, अब देखने की यहाँ पे 1 and 3 जो हमारा आंसर है, सेकंड यहाँ पे हमारा गलत क्यों है, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे सेकंड में बोला गया कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, लेकिन जो INC थी इसका पहला जो सेशन 1885 में कलकत्ता में नहीं, ये बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। और दूसरी बात है कि इसमें 75 डेलीगेट्स नहीं, इसमें कितने डेलीगेट्स थे, इसमें 72 डेलीगेट्स थे, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमें देखना है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट वो किस वे में डिफरेंट थे। जो मॉडरेट्स है वो ये बिलीव करते थे कि जो मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट है, उसको हमें जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है या मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं उन तक ही सीमित रखना है, क्योंकि वो बिलीव करते थे जो मासेस है वो अभी तक तैयार नहीं है कि वो इतने लार्ज स्केल में पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सके। वहीं अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिलीव करते थे, उनको मेन जो उनका फंडा था वो ये था कि उनको मासेस की कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा था। ठीक है, उनको पता था कि अगर मासेस एक साथ जुड़ जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, एक तरफ ये वो उनका था, और दूसरा एक और वो मानते थे कि दे बिलीव इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। ठीक है, एक तरफ ये है। दूसरे स्टेटमेंट बोला गया है कि उनके जो मेथड्स थे वो भी काफ़ी डिफरेंट थे। मॉडरेट्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज़ किए थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात करें तो जैसे अपील, ठीक है, अगर वो उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए वो अपनी हर एक सिफारिश को उनके पास रखते थे और उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनकी बात मानेंगे, तो ये सब उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लेने में कभी हेजिटेट नहीं करते थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात करिए, जैसे बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस की बात है, जैसे हमने स्वराज एंड जब वो बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो जो इनका गोल था, उन्होंने स्वराज्य अपना गोल लिया था और लार्ज स्केल में बॉयकॉट किया था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था, ठीक है, फॉरेन टाइटल्स को बॉयकॉट किया था। तो ये जो मेथड्स थे ये मॉडरेट्स के नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट के थे। तो यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो दी हुई है वो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में देखना है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट में हमें ये देखना है कि ये एक तरह का जो क्या था, ये एक मैनिफेस्टेशन था। मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का था, अग्रेसिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, अग्रेसिव पॉलिटिक्स का ये एक मैनिफेस्टेशन था। ठीक है, किसने शुरुआत की थी इसकी, तिलक ने, एनी बेसेंट ने की थी। किस सिमिलर लाइंस में, सिमिलर लाइंस मूवमेंट इन आयरलैंड, तो आयरिश मूवमेंट से प्रेरित लेके, ठीक है, प्रेरणा लेके उन्होंने इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक तो है एग्रेसिव पॉलिटिक्स, ठीक है, दूसरा है सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ आयरलैंड मूवमेंट। ठीक है, सेकंड में बोला गया है कि जो तिलक की लीग है उसकी शुरुआत जुलाई 1916 में हुई थी और महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिरार में हुई थी। इसकी टोटल 6 ब्रांचेस थी। सी में बोला गया है जो एनी बेसेंट है उन्होंने अपनी लीग की शुरुआत सितंबर 1916 में की थी। कहाँ से की थी, मद्रास से की थी, एंड इट कवर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। तो जहाँ जहाँ पे तिलक की लीग थी, जहाँ जहाँ पे उनकी ब्रांचेस थी, वो सब छोड़ के ऑल ओवर इंडिया जो कवर किया था प्लेसेस, वो एनी बेसेंट की लीग ने किया था। तो टोटल एनी बेसेंट के कितने ब्रांचेस थे, अराउंड 200 ब्रांचेस थे। डी में बोला है जो लीग है वो क्या कैंपेन करता था, इसका एम क्या था। इसका एम था जो कॉमन मैन है उनको होम रूल, ठीक है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का, गृह शासन का मतलब समझाया जाए। ठीक है, तो इसमें देख लें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो तिलक की लीग की शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 1916 में हुई थी, ना कि जुलाई, कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी जो है इसका आंसर हो गया बी, बाकी सी एंड डी दोनों ही सही हैं। यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले में बोला गया है 1800 में
वेलेस्ले जो था वो गवर्नर जनरल था, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत करी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत क्यों की थी जो न्यूली वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, न्यूली रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन 6 साल बाद 1806 में वेलेस्ले का कॉलेज जो था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया और इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इंडिया से। इन्होंने इंडिया से इसको लंदन में शिफ्ट, इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? हेलीबेरी में। इसमें ये लोग 2 साल की ट्रेनिंग देते थे रिक्रूट्स को। फिर बोला गया सी में 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले भारतीय बने हु क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज। इस वजह से उनको भारत का क्या बोला जाता है, भारत का फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। डी में बोला गया है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसके तहत क्या शुरुआत हुई थी, उसने रिकमेंड किया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज, बट ही इज़ नॉट नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी। यहाँ पे डी भी करेक्ट है। लॉर्ड मेयो जो थे उनके बारे में यहाँ पे देखना है कि उनकी टेन्योर में, ठीक है, उनके एरा में क्या क्या चीज़ें हुई थी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवेज, फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्राची। तो इसमें देखने कौन से यहाँ पे उनके अंडर हुआ था, तो उनके अंदर देखिए पहला स्टैटिस्टिकल सर्वे हुआ था, ठीक है, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर तीसरा भी यहाँ पे सही है लेकिन फोर्थ यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर है सी, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए पहला हम देखेंगे यहाँ पे जो लॉर्ड मेयो है उनका टाइम पीरियड कब से कब था, 1869 से लेके 1872 तक, ठीक है, आपको याद रखना है। इनके अंडर क्या क्या अदर चीज़ें हुई थी, राजकोट में एक कॉलेज की शुरुआत करी गई थी, ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज की शुरुआत करी गई थी जिसमें इंडियन प्रिंसेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्टेट रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो फेमाइन बोला गया है रिचर्ड स्ट्राचे वो किसके अंडर हुआ था, लिटन के अंदर हुआ था। 1876 से लेके 1878 में बहुत भयंकर फेमाइन आया था जिसकी वजह से मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद एंड कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स थे, इन सारे पंजाब, ये सारा जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए लॉर्ड लिटन के अंदर एक फेमाइन कमीशन को बनाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रिचर्ड स्ट्राची ने की थी और ये बनाया था 1878 में। इसलिए आंसर है 1, 2 एंड 3। तो देखिए 1878 में बना है और इस टाइम तक तो ये जा चुके थे लॉर्ड मेयो, तो इसीलिए आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है। यहाँ पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। के केलप्पन जो थे ये एक नायर कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह शुरू किया था जिसमें इन्होंने कलिकत से पयानर तक मार्च किया था, यानी कि ये पैदल चले थे इन डिफायंस ऑफ सॉल्ट लॉज। सेकंड में बोला है अब्बास त्याबजी जो थे वो बॉम्बे में मुस्लिम्स के एक नेशनलिस्ट लीडर थे, इन्होंने क्या किया था जब इस मूवमेंट के टाइम में गांधी जी को अरेस्ट हुआ था, तो उनके अरेस्ट के बाद उनकी जो लीडरशिप थी उन्होंने अब्बास त्याबजी ने उनको टेक ओवर कर लिया था। थर्ड में बोला गया है सूर्य सेन जो थे उन्होंने चित्तेगोंग रिवोल्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया जिनमें उन्होंने 2 आर्मरीज में रेड करी थी और उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट भी किया। फोर्थ में बोला गया है जो खान अब्दुल गफार खान थे वो कहाँ पे, एक्चुअली खान अब्दुल गफार खान
गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, इसीलिए ये नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ पे बिलीव करते थे। इनका जो अपना ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, ये चलाते थे पेशावर में, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज़ का, जिनको खुदाई खिदमतगार्स भी बोला जाता है एंड कभी कभी रेड शर्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड देवर ऑल्सो एक्टिव इन द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाईकॉम सत्याग्रह किसने किया था, तो किया था के कलप्पन ने। के कलप्पन कहाँ से कहाँ तक गए थे? अंदर वाईकॉम सत्याग्रह कलिकत से पयानेर गया थे गए थे। फिर दूसरा है कि गांधी जी मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए गांधी जी के अरेस्ट के बाद किसने, कौन इसका लीडर बना था? तो अब्बास दियाब जी बने थे। सूर्य सेन ने आर्मरी रेड करी थी, ठीक है, ये तो काफ़ी हम लोग सबको पता है। फिर खान अब्दुल गफार खान कहाँ से थे? पेशावर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लाहौर आता है, तो आपको याद रखना है पेशावर, ठीक है। नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरीज थे, खुदाई खिदमतगार्स और रेड शर्ट्स। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर है नन। एंड इसमें अदर लीडर्स भी थे, जैसे सरोजनी नायडू थी, उन्होंने दरसाना सॉल्ट वर्क्स पे मार्च किया था, ठीक है। उनके साथ अदर भी थे, जैसे इमाम साहिब जो थे, इमाम साहिब गांधी के फ्रेंड थे, जिन्होंने उनके साथ साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रगल किया था। तो इमाम साहिब और जो गांधी जी के बेटे थे मणिलाल, इन सब ने मिलके दरसाना सॉल्ट वर्क्स पे भी रेड करी थी। तो देखिए ये था आज के हमारे 100 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।